हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजरी। मेरे चैनल टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मार्केट जैसा कस्टर्ड पाउडर घर पर ही कैसे बनाएं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, गर्मियों में कस्टर्ड पाउडर को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे हम कस्टर्ड पाउडर की आइसक्रीम बनाते हैं, केक बनाते हैं, पुडिंग्स बनाते हैं, और हम मार्केट जैसा कस्टर्ड पाउडर सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट से और एक ही मिनट में घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और घर में बने इस कस्टर्ड पाउडर को आप फ्रिज में रख के 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और मार्केट से भी अच्छा, केमिकल फ्री और बहुत ही हेल्दी कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार होगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना देखेंगे, जो सबका फेवरेट और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप शक्कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है, जिसे कॉर्न फ्लावर भी बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद 2 बड़े चम्मच ही मिल्क पाउडर लिया। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस चम्मच से नाप के ही मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लावर और मिल्क पाउडर लिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1 छोटी चम्मच, ये 1/2 टीस्पून है, उससे मैंने लिया है वैनिला एक्सट्रैक्ट, और 1 पिंच यहाँ पर खाने वाला येल्लो कलर लिया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद एक जार लेके इन सबको मैं जार में ऐड कर दूंगी और बस 1 मिनट इसे हमें पीसना है। यहाँ पर शक्कर डाल दिया मैंने, कॉर्नफ्लावर और ये मिल्क पाउडर, 1 छोटी चम्मच ये वैनिला एसेंस डाल दिए हैं, जिससे इसमें वैनिला फ्लेवर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम खाने वाला येलो कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं चाहते हैं तो आप इसे ना भी ऐड करें, इसके बिना भी बहुत अच्छा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए सिर्फ इसे हमें 1 मिनट मिक्सर में ग्राइंड करना है, जिससे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड बनकर एकदम तैयार है। सिर्फ आप इसे 1 मिनट मिक्सर में आपको चलाना है और ये कस्टर्ड बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। एकदम मार्केट जैसा कलर आया है इसमें और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड एकदम बनकर तैयार है। अब आप इससे फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम या केक कुछ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके आगे चलिए अब हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना देख लेते हैं। अब हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड बनाएंगे। उसके लिए भी हमें सेम 1/2 कप शक्कर चाहिए होगी, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ये स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है और यहाँ पर खाने वाला रेड कलर लिया है। कलर आप चाहें तो डालें अगर आपको कलर चाहिए तो, और नहीं तो इसके बिना भी आप कस्टर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर भी सारे मटेरियल को जार में डालकर इसे 1 मिनट हमें अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी कस्टर्ड बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है और इसमें से भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जैसे मार्केट वाले कस्टर्ड से स्मेल आती है। तो चलिए इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बटर स्कॉच फ्लेवर का कस्टर्ड। उसके लिए भी यहाँ पर हमें 1/2 कप शक्कर चाहिए। यहाँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर आपको दोनों सेम क्वांटिटी में ही लेना है। उसके बाद यहाँ पर बटर स्कॉच एसेंस लिया है मैंने और यहाँ पर खाने वाला येल्लो कलर मैं ऐड करूँगी। आप कलर ना चाहें तो आप इसे बिल्कुल ना ऐड करें। तो चलिए इसे भी मिक्सर में पीस लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर बटर स्कॉच फ्लेवर का भी कस्टर्ड बनकर एकदम तैयार है। अब आप इस कस्टर्ड से बहुत ईजिली बटर स्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं और कस्टर्ड भी बना के आसानी से खा सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर बाज़ार से भी अच्छे सिर्फ 1 मिनट में 3 फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसा ये बना हुआ है। आप इसे कस्टर्ड को फ्रिज में 3 से 4 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो चलिए एक कस्टर्ड बनाकर देख लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर पैन में मैंने 1 कप दूध ऐड करके रख दिया है। इसे हम 1 उबाल आने तक गर्म करेंगे और जब तक दूध गर्म हो रहा है यहाँ पर हम कस्टर्ड को अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच इस कस्टर्ड पाउडर में दूध डाल देंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का उबला हुआ दूध है, एकदम गर्म दूध भी नहीं है और फ्रिज का एकदम ठंडा दूध भी नहीं है। इस तरह से रख के इसको हम एक अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पर कम दूध इसलिए मैंने डाला है जिससे इसमें कोई भी लम्स ना क्रिएट हो। इसको अच्छे से सारे लम्स ख़त्म होने तक हम अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ पर कस्टर्ड में दूध मिला के मैंने अच्छे तरह से घोल के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम दूध में मिला देंगे। यहाँ पर दूध में 1 उबाल आ गया है। अब हम इसी स्टेज में यहाँ पर जो कस्टर्ड घोल के तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है और इसको अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे।
आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जहाँ पर दूध मैंने गर्म किया था उसके बाद आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार शक्कर ऐड कर सकते हैं। वैसे कस्टर्ड पाउडर में भी हमने शक्कर डाला है, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप यहाँ पर और शक्कर मिला सकते हैं। एक मिनट में ही कस्टर्ड यहाँ पर पक के अच्छे से गाढ़ा हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया कस्टर्ड। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो लीजिए यहाँ पर एकदम मार्केट जैसा वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड बनकर एकदम तैयार है। आप इसका कलर देखेंगे तो एकदम मार्केट जैसे कस्टर्ड का कलर आया है। अब आप इसे थोड़ा सा फ्रिज में ठंडा होने के बाद इसमें अपने मनपसंद के फल या ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे खा सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच फ्लेवर का भी कस्टर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।